हेलो गाइस, तो आज हम बहुत दिनों बाद खेलने आ रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज, जिसमें हम लोग लाइक भूल ही गए थे इसको, बट बाकी आज हम लोग बनाने वाले हैं ये वाला स्केलेटन का स्कल, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है देखने में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, बट इसको बनाने में भी उतना टाइम लगने वाला है। और बाकी मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं ऑफलाइन खेल के क्या क्या अपडेट किए हैं अपने सर्वाइवल में, तो तुम लोगों को दिखाता हूँ वो। तो सबसे पहला अपडेट है ये वाला, जिसके अंदर तुम लोग देख सकते हो विलेजर हैं, जो कि मैं खेल ऑफलाइन खेल रहा था तब मैं लाया था इनको इधर। और एक मैंने नैदर ये भी बनाया है, नैदर पोर्टल, जिसके अंदर मैं फंस गया था, जब पता नहीं कैसे फंस गया था, पर आ गया मैं वापस आ ही नहीं पा रहा था। और बाकी और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो है गोल्डन एन्चेंटमेंट एप्पल, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता, जो कि मेरे को मिला था रुइन पोर्टल से, जो कि उधर है। मैंने उसके ऊपर एक एडिट वीडियो भी है बनाई है, वो भी तुम लोगों को दिखाऊंगा। और बाकी यहाँ पे आ तो क्या, मैं जितना जूम हो सकता है मैं कर दूंगा। और वहाँ पे एक रुइन पोर्टल मेरे को वहाँ पे मिल गया था, वो क्या बोलते हैं उसे, गोल्डन एन्चेंटमेंट एप्पल। बाकी आज के वीडियो में स्केलेटन का स्कल तो बनाने वाले हैं, बट एक अपना एन्चेंटमेंट टेबल भी बनाने चाहते हैं हम लोग, मतलब बनाऊंगा मैं, जो कि उसके लिए मेरे को बुक चाहिए होंगी, तो बुक के लिए हमें ये मटेरियल चाहिए और पेपर भी इधर, जो कि मेरे को शुगर कैन से मिलेगा, तो मैं सारा मटेरियल इकट्ठा करने के बाद मिलता हूँ तुम लोगों को। ओके, तो बहुत दूर जाके मेरे को मिलाते हैं ऑब्सीडियन, तो इस वजह से हमने डायमंड पिकैक्स इधर रख दी मैंने। और अभी हम अपना क्या बोलते हैं उसे, अपने एन्चेंटमेंट टेबल बनाते हैं, तो उसके लिए मेरे को डायमंड भी चाहिए होंगे, तो मैंने निकालने अपने 10 डायमंड। तो यहाँ कहीं थे, कहाँ गए, ओके यहाँ पे रही ये, वेट हमें एक और चाहिए होगा। A few moments later. तो यहाँ पे बन चुकी है अपना, मैं लास्ट वाला ऑब्सीडियन ले आया हूँ, तो इसको ले लेता हूँ यहाँ पे। और इसको कहाँ रखूँ, इसके लिए यहीं पे रख देता हूँ, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। बाकी इधर बना देता हूँ इसको, मैं डायमंड यहाँ पे रख देता हूँ, लैपिस ले लेता हूँ सबसे पहले मैं, और उसके बाद अपने बाकी मतलब सारा चीज़ें एन्चेंट करेंगे। बाकी मेरा गेम भी बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, स्क्रीन तो पूरी फ्रीज ही हो गई भाई। भाई कुछ, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? नहीं। ओके okay. अभी पूरा गेम चेस्ट ही नहीं खुल रही है अभी, तो ये क्या हो क्या रहा है अब? वो फिर तो चार ऑप्शन है पहले के पड़े हुए, मैं क्यों लेने गया था इसे, मेरे को बिल्कुल ठीक चार ऑक्सीजन की जरूरत थी, जो कि इधर रखे हुए हैं। मैं इतने दूर गया था लावा को मतलब कन्वर्ट करने ऑक्सीजन में, बाकी अपनी इन्वेंट्री यहाँ खाली कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी बहुत देर में मैंने अपनी इन्वेंट्री क्लियर की है, और अब सबसे पहले अपना हेलमेट में एन्चेंट करूँगा, चेस्ट प्लेट में अच्छे अच्छे एन्चेंटमेंट लाऊंगा मैं, और थॉर्न्स वगैरह। तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन मिल रही है, तो मैं प्रोटेक्शन ले लेता हूँ सबसे पहले, जो कि मेरे को मिल चुकी है, उसके बदले में मेरे को कुछ भी नहीं डबल मिला, मतलब एक्स्ट्रा मेरे को कुछ भी नहीं मिला इधर। और चेस्ट प्लेट, अरे इसके लिए तो अलग से मतलब बहुत सारी बुक लगानी पड़ेगी ना मेरे को। अरे यार कोई बात नहीं, इसके लिए अपना जो स्केलेटन होगा उसके अंदर भी हम बहुत सारे रूम बनाने वाले हैं, उसके जो लाइक मुँह है ना उसके अंदर हम एक ना टनल सी खोद देंगे। मेरे ब्लेजर एक जोर दे रहे हैं, अरे अरे आयरन, मेरे पास डायमंड की वजह से मैंने इतने सारे फालतू के एक्स खरीदे हैं, इतने सारा आयरन वेस्ट किया। तो गाइस यार मैं बहुत बार उल्लू बन चुका हूँ, और काम नहीं करना मेरे को अभी, मैं सबसे पहले अपना स्कल बनाने के लिए मैं सारे ब्लॉक इकट्ठे कर लेता हूँ, जिसके लिए मेरा डिवाइस बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। तो उसके बाद मेरा डिवाइस बहुत ज़्यादा लैग हो गया था, इस वजह से मैंने सारे रिकॉर्डिंग ऑफ करके सारा माल पानी इकट्ठा किया। तो गाइस यार उस टाइम पे ना मेरा डिवाइस बहुत ज़्यादा लैग हो रहा था, जिससे मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर ली। बाकी मेरे पास अब बहुत ज़्यादा मटेरियल आ चुका है जो कि मतलब अपने स्केलेटन का स्कल बनाने के लिए। बाकी इधर कितने सारे क्रीपर स्पॉन होते हैं, जब भी मैं ऑफलाइन खेलता हूँ इधर क्रीपर के अलावा कुछ भी स्पॉन नहीं होता, इधर क्रीपर फार्म बन चुके हैं। बाकी गाइस मैं तुम लोगों को मिलता हूँ ये पूरा स्केलेटन का स्कल बनाने बाद, कॉज देखो ना ये गेम देखो अभी भी बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, तो अगर मैं ऐसे की लाइक खेलता रहा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाने वाला है। उस वजह से मैं तुम लोगों को पूरा लाइक अपना स्केलेटन का स्कल बनाने के बाद मिलता हूँ। A few moments later. तो फाइनली गाइस, फाइनली मैंने बहुत दिन के बाद मैंने अपने स्केलेटन का स्कल बना तो लिया, बट अभी सबसे पहले पिलर को तोड़ देता हूँ, और वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा होगा अभी, कॉज ये दिन में अच्छा नहीं खाने लगता है। तो गाइस सबसे पहले मैंने ये खंभे तोड़ दिए हैं, अब बाकी गाइस अभी अच्छा नहीं लगा होगा मुझे पता है, ये इसको रात हो जाने दो, मैं अच्छा मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और बाकी इसको बनाने में मेरे को 2 दिन लग गए। झूठ बोलो
मतलब ऐसा नहीं 2 दिन लेके ऐसे पूरे दिन लेके बैठा था मैं, ऐसा नहीं, मतलब मैंने एक घंटा एक दिन खेला और दूसरा और फिर एक घंटा मैंने दूसरे दिन खेला, यानी टोटल मिला के मेरे को 2 दिन मतलब 2 घंटे लगे हैं, ठीक है ऐसा कहना चाह रहा था मैं, बस वो थोड़ा सा उधर उधर हो गया था मैं। बाकी अब हो चुके हैं रात का, तुम लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में, और हाँ अच्छा लग रहा है। और बाकी उधर 3-4 स्केलेटन घूम रहे हैं, मेरे को तो डर लग रहा है भाई गिर के ना मारे मेरे को, क्योंकि 3-4 हैं और 4 हैं, सच में 4 हैं, एक तो डिस्पोन हो गया उधर, और बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बाकी अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय।